अगर 10 प्लस साइंस का स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 स्टार्टिंग 10 में ठीक है उसका नाम था कार्बन हेलिक्स कंपाउंड ठीक है नाउ हमने कल लास्ट में बात की थी चैप्टर 4 स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था उसका नाम है क्या नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया ठीक है ना उसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं कल हमने उसका यार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया था वहां पे इंट्रोडक्शन में क्या बात की थी हमने बात की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है दो एटम के बीच लाइक एग्जांपल हमने लिया था H2 लिया था O2 लिया था N2 लिया था वो सारे एग्जांपल के बारे में हमने डिस्कशन किया था यस्टरडे बराबर कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कैसे बनता है क्यों बनता है उसके बारे में हमने बात की थी हमने वो भी बात की थी कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है अपना कार्बन अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन अपना कौन सा बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड यस्टरडे हमने लेक्चर में डिस्कशन उसके बारे में किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है और कैसे बनता है ओके उतना तक क्लियर था कोवेलेंट बॉन्ड का एक बार वापस वो वीडियो देख लेना कि कोवेलेंट बॉन्ड वाला वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके सारे के नोट्स बना लेना बराबर इतनी सारी नोट्स हो वो सब नोट्स कॉपी कर लेना कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इस वजह से आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है वहां पे भी आप मुझे सेंड कर सकते हो ठीक है ना आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 में बराबर हमने बात की है कार्बन वाले कंपाउंड हम क्यों पढ़ते हैं सुनो ध्यान से हमें याद लास्ट बात में ना कार्बन प्लस 4 बनाता है यस्टरडे वी विल टॉक अबाउट कि हम यस्टरडे क्या टॉक किया था कि कार्बन प्लस 4 भी नहीं बनाता कार्बन माइनस 4 भी नहीं बनाता वो क्या करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है लिसन बी केयरफुली अभी कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है लिसन बी केयरफुली सभी मेरे वर्ड ध्यान से पकड़ना और होमवर्क दूंगा वो होमवर्क आपको करना है होमवर्क टाइम पे फिनिश होना जरूरी है होमवर्क टाइम पे कर देना ठीक है होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट होना जरूरी है कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है अपना कार्बन अपना बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है इतना क्लियर हुआ बराबर अभी ध्यान से मुझे सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता ही है हम जानते हैं अभी कार्बन के पास एक स्पेशल कैरेक्टर लिसन बी केयरफुली कार्बन के पास एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी उसके पास क्या है कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का वन स्पेशल प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी नाउ लिसन बी केयरफुली व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी की मतलब क्या होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब होता है कि कार्बन अपने में ही लंबी सीरीज बना पाता है लिसन में केयरफुली पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से कि कार्बन अपने साथ में कार्बन में बाजू में कार्बन आगे कार्बन पीछे कार्बन वहां ढेर सारे कार्बन इकट्ठा होके कार्बन अपने में ही लंबी चेन क्रिएट कर सकता है कार्बन अपने में 10 कार्बन जुड़ते 20 जुड़ते 30 जुड़ते 40 जुड़ते यानी कि बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं करके वो लंबी अपनी सीरीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसको हम क्या बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज इट क्लियर नाउ कार्बन अपने में ही बॉन्ड बनाता है लंबे अपने में ही लंबी सीरीज बनाएगा कार्बन बाजू में कार्बन बाजू में कार्बन 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 एक लंबी सीरीज बनाएगा अपने में ही बॉन्ड बना के और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी एक ही खाली बंदे में ताकत है कार्बन में जो अपने में ही बॉन्ड बना के अपने में ही लंबी सीरीज बना सकता है एक कार्बन में ही स्पेशल कैरेक्टर है कि भाई कार्बन खुद अपने में ही लंबी सीरीज क्रिएट कर सकता है इज इट क्लियर नाउ कार्बन अपने में ही बॉन्ड बना के अपने में ही लंबी सीरीज कार्बन के बाजू में कार्बन बाजू में कार्बन बाजू में कार्बन अपने में ही जोड़ के वो लंबा सीरीज को बना पाता है एंड
दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बुलाते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। दैट्स व्हाई ये पूरा कार्बन क्या है, अलग है, अपने में ही जुट के बॉन्ड बनाता है, उसकी एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और दूसरी बात, कार्बन हम जानते हैं कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितना होता है, चार होता है। कार्बन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार। हमने कल डिस्कशन किया था, मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कैसे बॉन्ड दिखाते, कार्बन के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स व्हाई कार्बन को हम बोलते हैं, दैट्स व्हाई हम कार्बन को बोलते हैं टेट्रावेलेंट, उसको हम क्या बुलाते हैं टेट्रावेलेंट कंपाउंड। कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या बुलाते हैं टेट्रावेलेंट कंपाउंड, इट इज नोन एज टेट्रावेलेंट कंपाउंड। क्यों, टेट्रा मतलब क्या होता है चार, वैलेंस मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेट्रा मतलब चार, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंट, यानी कार्बन को हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, एक दो तीन चार, कार्बन के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास चार इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, उसकी वैलेंसी चार है, दैट्स व्हाई कार्बन को हम बुलाते हैं टेट्रावेलेंट। इज इट क्लियर नाउ, ध्यान से समझना, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं अभी, खास नोट बनाना, मुझे जब भी मैं वीडियो देख लो उसके बाद मुझे दो दिन में होमवर्क कंप्लीट चाहिए सभी, ठीक है। और आंसर भी देने, आपको कमेंट बॉक्स में आपको सारे आंसर भी लिखने हैं, सारे आंसर भी लिखना और दो दिन में होमवर्क भी सारे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये टाइम हमको वेस्ट करना नहीं है बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं, कार्बन क्या है टेट्रावेलेंट, कार्बन क्या है टेट्रावेलेंट, उसके बारे में बात की। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में चार होते हैं, दैट्स व्हाई कार्बन क्या है टेट्रावेलेंट। कार्बन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। कार्बन के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम उसको बुलाते हैं टेट्रावेलेंट, उसको हम क्या बुलाते हैं टेट्रावेलेंट। इतना क्लियर हुआ, बिकॉज ऑफ दिस ये दो प्रॉपर्टी के कारण एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो अपने में क्या बता सकता है, लंबी सीरीज, 10 कार्बन भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 60 भी होते हैं, ठीक है, ढेर सारे कार्बन अपने में ही क्या जुड़ सकते हैं, हजार भी जुड़ सकते हैं, इसके कारण उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है टेट्रावेलेंट, उसके पास कितने चार इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम बोलते हैं उसको टेट्रावेलेंट, इसके लिए हम उसको बुलाते हैं टेट्रावेलेंट। इतना क्लियर हो चुका है, बढ़ू आगे, क्लियर। कार्बन इज नोन एज टेट्रावेलेंट, उसको हम क्या बुलाते हैं टेट्रावेलेंट बुलाते हैं। ओके, इतना क्लियर हो चुका, ठीक है। उसके पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, यानी अपने में ही लंबी सीरीज बना पाएगा। दूसरा उसके पास क्या है टेट्रावेलेंट, जिसके पास चार वैलेंसी, इसके लिए हम बोलते हैं उसको टेट्रावेलेंट। नाउ लिसन मी केयरफुली, अभी हम जो बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है उसकी सीरीज बराबर, कार्बन की सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करें अभी, हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोकार्बन, जैसा नाम वैसा काम, ऐसा कैरेक्टर होता है हम जानते हैं बराबर, केमिस्ट्री में या फिर साइंस में जैसा नाम होता है वैसा काम होता है। नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, एक होगा हाइड्रोजन, दूसरा होगा कार्बन, बराबर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसे भी केयरफुल सारे पॉइंट में बोलूंगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको हम शॉर्ट एंड स्वीट में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे हम क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिसन टू केयरफुल, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बराबर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जिसमें भी कार्बन आया ना, कार्बन जिसमें भी क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, उसको हम बुलाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें कार्बन हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं, जिसमें कार्बन ना हो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे क्लियर हो, जिसमें कार्बन हो उसको हम बुलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन ना हो उसको हम बुलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किंग कौन है, कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किंग कौन है, कार्बन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, खास नोट करना,
ऑर्गेनिक कंपाउंड में किंग कौन है? कार्बन इज द किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन इज द किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो उसका किंग है. ठीक है, इसके अलावा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. कार्बन क्या है? उसका वो किंग है. बराबर, कार्बन किंग है, उसके सेनापति बहुत होते हैं. बराबर, ऑर्गेनिक जो हम पढ़ रहे हैं ना कार्बन एंड कंपाउंड, उसको शॉर्टेज फिट में बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर उसको हम बुलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर उसको हम क्या बुलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो हम पढ़ रहे हैं ना चैप्टर 10 कार्बन एंड कंपाउंड, उसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एस एल एस इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में किंग कौन होता है? कार्बन. कौन किंग होता है? कार्बन. उसके सेनापति बहुत है, लाइक उसके साथ हाइड्रोजन भी होता है, लाइक ऑक्सीजन भी होता है, लाइक नाइट्रोजन भी होता है, लाइक सल्फर भी होता है, लाइक फास्फोरस भी होता है. यानी कार्बन के पास आज हाइड्रोजन भी पॉसिबल है, बरोबर, ऑक्सीजन भी पॉसिबल है, नाइट्रोजन भी पॉसिबल है, सल्फर भी पॉसिबल है, और फास्फोरस भी पॉसिबल है. ये कार्बन के साथ जुड़ के लंबी सीरीज बना पाते हैं. यानी कार्बन के साथ कितने बंदे जुड़े हो सकते हैं? या क्या एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक ऑक्सीजन हो सकता है, एक नाइट्रोजन हो सकता है, एक सल्फर हो सकता है, एक फास्फोरस हो सकता है. इसमें किंग कौन है? कार्बन है. और मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे उसके साथ हाइड्रोजन काफी बार जुड़ता है. कौन? हाइड्रोजन. यानी कि जिसमें भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखे, जिस कंपाउंड में आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन दिखे, जिस कंपाउंड में आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखे, उसको हम बुलाते हैं हाइड्रोकार्बन. उसको हम बुलाते हैं हाइड्रोकार्बन सीरीज. इज इट क्लियर नाउ? जिसमें भी आपको क्या दिखे, कार्बन और हाइड्रोजन दिखे, जिसमें आपको क्या दिखे कार्बन और हाइड्रोजन, उसको हम बुलाते हैं हाइड्रोकार्बन. उसको हम क्या बुलाएंगे? हाइड्रोकार्बन. यानी कि अभी हम डिस्कशन करेंगे वो होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में. किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? हाइड्रोकार्बन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन होता है? एक खुद कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन, सल्फर, ये फास्फोरस इसके साथ जोड़ सकते हैं. मेन किंग कौन है? कार्बन. उसके साथ फिर अलग 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 बोल सकते हैं, पर मेन किंग कौन है? वो है कार्बन. इज इट क्लियर नाउ? ओके, हम पढ़ेंगे डिटेल में वो है हाइड्रोकार्बन. यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन. उसे हम क्या बुलाते हैं? हाइड्रोकार्बन बुलाते हैं. ओके, नाउ आगे बढ़ते हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में. ठीक है, नाउ टोटली हम डिस्कशन करेंगे दो दिन लेक्चर होंगे, कॉलेज रिपीट होंगे, बराबर हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अभी हम बात करेंगे व्हाट इज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन मैंने बोला जिसमें आपको कार्बन दिखता हो और हाइड्रोजन दिखता हो, उसे हम क्या बुलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बुलाते हैं. जिसमें वो क्या मिलता हो? कार्बन मिलता हो, इसमें जिसमें हाइड्रोजन, उसको हम क्या बुलाते हैं? हाइड्रोकार्बन बुलाते हैं. हाइड्रोकार्बन आपको तीन सीरीज दिखती है. लिसन बी केयरफुली, हाइड्रोकार्बन आपको तीन सीरीज दिखती है. सीरीज के खास नाम अभी मैं बोलूं, वो नाम खास याद रखना, और कैसे करना है सभी मैं आपको उसकी ट्रिक्स दूंगा, बरोबर टेक्निक दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे मैच करते हैं. तो वीडियो साथ साथ प्लीज देखते आना. ठीक है, कहीं पे दिक्कत हो तो आप वीडियो देख रहे हो तो उसी टाइम आप अटक रहे हो तो मुझे फोन करके पूछ लो, बरोबर, या फिर शाम के 4 से 6 में आपका हम आपका डाउट सॉल्व रखेंगे. 4 to 6 आप कभी मुझे कॉल कर सकते हो शाम को और आपके डाउट मुझे पूछ सकते हो. किसी भी चीज़ में डाउट हो या फिर आपको जो मुझे जो आप डाउट हो उसका पीक लेके व्हाट्सएप में मुझे आप सेंड कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, क्योंकि अभी मैं इम्पोर्टेंट थियरी की बात करने जाऊंगा. ठीक है, हाइड्रोकार्बन चालू करो उससे पहले हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे हाइड्रोकार्बन पे. हाइड्रोकार्बन चालू करो उससे पहले ये चीज़ खास सुन लो, बराबर. हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या गिनेंगे? नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे. क्या गिनेंगे? नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, अभी नंबर ऑफ कार्बन हमको गिनने हो तो उसको हम लोग अभी उसका हम नेमिंग सीखेंगे. क्या नहीं सीखेंगे? नेम. अभी हम टोटल डिस्कशन करेंगे वो होगा IUPAC नेम. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, IUPAC नेम के बारे में डिस्कशन करेंगे. अभी हम हर एक कार्बन वाले कंपाउंड का नाम कैसे रखते हैं, नाम कैसे होता है, ऐसा
ऐसा नाम क्यों है, उस सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि भाई किसका नाम ये क्यों है, उसका नाम ये क्यों है, उसका मतलब हम करेंगे नामकरण। आईयूपीएसी ने नोमेनक्लेचर को बोलते हैं नामकरण को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके इज इट क्लियर नाउ। फर्स्ट सीरीज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, उसमें हम क्या करेंगे आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, यानी उस कंपाउंड का नामकरण कैसे होता है। बराबर, हम जानते हैं हमारा अलग नाम, जैसे कि मेरा नाम रोहित है, आपका नाम वो, आपका नाम वो, बराबर, इसका नाम शिव है, उसका नाम कुश है, उसका नाम कर्मदीप है, तत्वम है, अब सबके अलग अलग नाम है, आगे ना वैभव है, उसका ये है, उसका वो है, सबके अलग अलग नाम है। तो सबके अलग अलग नाम है, तो हमने हमारे देश में क्या किया, अपने नाम रखे ना, तो हम भी थोड़े बहुत कंपाउंड में क्या रखेंगे, नाम रखेंगे। क्या रखेंगे, नाम रखेंगे कि भाई किसका नाम ये क्यों। आप बोल रहे हो कि आपका नाम सर रोहित सर है, रोहित है, मेरा नाम सर ये है, मेरा नाम वो है, मेरा नाम शिव है, मेरा नाम कर्मदीप है, तत्वम है, वैभव है, बराबर, मानव है, सबके नाम अलग 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 है, आपके पेज में नाम रखे हुए, तो सबके नाम अलग अलग क्यों हुए, राशि के ऊपर नाम रखे हुए ना, जैसे कि भाई मेरा नाम रोहित है तो मेरा नाम भी राशि में रखा होगा, तेरा नाम वैभव है तो वैभव भी राशि में रखा होगा, फिर शिव है तो शिव राशि में नाम होगा। सभी जो नाम हुए है वो किससे हुए है, राशि से नाम पढ़ते, बराबर। तो हम लोग भी वही चीज नामकरण, यानी कि उसका नाम कैसे होता है, वो सब हम रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। सबके कंपाउंड के अलग अलग नाम होते हैं, बराबर। अगर कोई खेल रहा हो, मुझे मैं बुलाऊ, बराबर, आप 10-15 बजे खेल रहे हो, मैं बोला कि भाई ए इधर आ दो, मैं दिलाऊ ए भाई तुम यहाँ आओ, तो सब लोग मेरे सामने कि किसको बुला रहे हैं। पर अगर मैं बुलाऊ कि शिव इधर आ, तो खाली शिव इधर आएगा। अगर मैं बोला ध्रुव इधर आ, तो खाली ध्रुव इधर आएगा। अगर मैं बोलूं ए इधर आ दो, तो सब देखेंगे सर मुझे किसको बुला रहे, मुझे मुझे बुला रहे, मुझे बुला रहे। पर पर्टिकुलर मैं बोलूं कि शिव इधर आ, ध्रुव इधर आ, कश्यप इधर आ, तो पर्टिकुलर इंसान ही आगे आएगा। यस और नो, क्यों, उसका नाम है, आगे ना। तो वही कंपाउंड को हमको यहाँ पे सब रूल्स लागू करके उसके सबके हमको नाम आईयूपीएसी नेम पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, उसके हम आईयूपीएसी नेम करेंगे। इसको हम बुलाते हैं नोमेनक्लेचर, इसको हम क्या बुलाते हैं, नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण, ठीक है। इसमें चैप्टर 4 में साथ साथ चलना तो ही इजी रहेगा, वरना ये बहुत हार्ड लगेगा। साथ साथ चलोगे, साथ साथ थ्योरी क्लियर होगी, तो ही ये चैप्टर आपको इजी लगेगा, वरना दिक्कत आएगी। ओके, यानी कि अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे सब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर बात करूं, उससे पहले आपको लैटिन वर्ड, बराबर, अभी हमको कार्बन गिनने हो ना, एक कार्बन हो सकता है सीरीज में, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हमको छह तक याद रखना है, जिसमें भी एक कार्बन हो, लिसन मी केयरफुली, लैटिन वर्ड में नाम है सबके, लैटिन वर्ड में हम नाम फॉलो करेंगे सबके, किस पे, किस लैंग्वेज में है, लैटिन लैंग्वेज में है, यानी कि सभी के नाम हम कौन से लैंग्वेज फॉलो करेंगे, लैटिन लैंग्वेज में फॉलो करेंगे हम। लैटिन वर्ड में एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ, ये खास याद रखना, लैटिन वर्ड में हम एक कार्बन को हम बोलेंगे मिथ, दो को हम बोलते हैं इथ, दो को हम क्या बोलते हैं इथ, एक कार्बन मिथ, दो को हम बोलते हैं इथ, तीन को हम बोलते हैं प्रो, तीन को हम बोलते हैं प्रो, चार को हम बोलते हैं ब्यूट, चार को हम बोलते हैं ब्यूट, पांच को हम बोलते हैं पेंट, पांच को हम बोलते हैं पेंट, छह को हम बोलते हैं हेक्स, छह को हम बोलते हैं हेक्स। आपको छह तक याद रखना है, सात को भी लिख देता हूं मैं, सात आठ तक याद रख लो, सात को हम बोलते हैं हेक और आठ को हम बोलते हैं ओक। लेकिन वर्ड है एक कार्बन यानी मिथ, उसको हम क्या बोलते हैं मिथ, दो यानी इथ, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे दो होंगे, यहाँ पे तीन होगा, तीन यानी प्रो, चार यानी म्यूट, पांच यानी पेंट, छह यानी हेक्स, सात यानी हेप, आठ यानी ओक्ट, ठीक है। एक कार्बन तो मिथ, दो यानी इथ, तीन तो प्रो, चार तो म्यूट, पांच तो पेंट, छह तो हेक्स, सात तो हेप और आठ तो ओक्ट। इतना क्लियर हुआ, एक कार्बन को हम लैटिन वर्ड में बोलते हैं मिथ, उसको हम क्या बुलाएंगे मिथ बुलाएंगे, दो को हम बुलाएंगे इथ, दो को हम क्या बुलाएंगे इथ बुलाएंगे, तीन को हम बुलाएंगे प्रोब, तीन को हम कितना बुलाएंगे प्रोब, चार को हम बुलाएंगे ब्यूट, चार को हम बुलाएंगे ब्यूट,
पांच कोण बुलाएंगे पेन, पांच कोण क्या बुलाएंगे पेन, छह कोण बुलाएंगे हेक्स, छह कोण क्या बुलाएंगे हेक्स, सात कोण बुलाएंगे हेप्ट, हम सात को क्या बुलाएंगे हेप्ट, आठ कोण बुलाएंगे ओक्ट, ठीक है। मिट इट प्रो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मिट इट प्रो ब्यूट पेन हेक्स हेप्ट ओक्ट, कितना याद होंगे मिट इट प्रो ब्यूट पेन हेक्स हेप्ट ओक्ट, ठीक है। मिट इट मिट इट प्रो ब्यूट पेन हेक्स हेप्ट ओक्ट, ठीक है। एक कार्बन में मिट, दो यानी इट, तीन यानी प्रो, चार यानी ब्यूट, पांच यानी पेन, छह यानी हेक्स, सात यानी हेप्ट, आठ यानी ओक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा मिट इट प्रो ब्यूट पेन हेक्स हेप्ट ओक्ट, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में तीन सीरीज आती है, सीरीज मतलब उसके पार्ट है, तीन पार्ट है, एक पार्ट का नाम है वो है आल्केन, एक कौन सा होता है आल्केन, यहाँ पे खास सुनो, दूसरा पार्ट है वो है आल्कीन, दूसरा पार्ट क्या है वो है आल्कीन, तीसरा पार्ट है वो है आल्काइन, तीन पार्ट है हाइड्रोकार्बन, कितने पार्ट है तीन पार्ट है, फर्स्ट आल्केन, इसको हम क्या बोलते हैं आल्केन, खास लिखते आना, दूसरा है वो है आल्कीन, तीसरा है वो है आल्काइन, हाइड्रोकार्बन कितने पार्ट है तीन पार्ट है, आल्केन फर्स्ट पार्ट है वो है आल्केन, दूसरा पार्ट है वो है आल्कीन, तीसरा पार्ट है वो है आल्काइन, बराबर। एक पार्ट कौन सा है आल्केन, दूसरा पार्ट कौन सा है आल्कीन, तीसरा पार्ट कौन सा है आल्काइन, तीन पार्ट है हाइड्रोकार्बन में। आल्केन यानी कि यहाँ पे सफिक्स में क्या आ रहा है एन, सफिक्स बोल रहा हूँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सफिक्स, सफिक्स यानी क्या बोलता है जो पीछे लगता हो, तो एन इसका मतलब क्या है पीछे, इसको बोलते हैं सफिक्स यानी पीछे लगता हो, इसमें सफिक्स में एन आया तो आल्केन, इसमें सफिक्स में इन आया तो आल्कीन, इसके सफिक्स में आइन आया तो आल्काइन, ठीक है। आल्केन आल्कीन आल्काइन, आल्केन आल्कीन आल्काइन, ये सब लैटिन वर्ड आपको याद रखने हैं, तो लैटिन वर्ड के नाम आपको याद डिटेल में रखने पड़ेंगे, ये आठों के नाम आपको याद रखने हैं यहाँ तक, और आल्केन आल्कीन और आल्काइन के नाम आपको याद रखने हैं, ओके। इतना क्लियर हुआ, आल्केन सफिक्स में क्या आता है एन आता है, आल्कीन सफिक्स में क्या आता है इन आता है, आल्काइन सफिक्स में क्या आता है आइन आता है, ठीक है ना। व्हाट इज आल्केन, व्हाट इज आल्कीन एंड व्हाट इज आल्काइन, ठीक है। आल्केन मतलब क्या होता है, आल्कीन मतलब क्या होता है और आल्काइन मतलब क्या होता है, आल्केन मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बराबर। ये खास याद रखना, सभी के मैं रूल्स दूंगा, ये आप रूल्स ही पढ़ रहे हो कि भाई इसके ऊपर से ये होता है, ये सब रूल्स ही है, ठीक है। ये सब क्या है रूल्स है कि भाई ऐसा ऐसा क्यों होता है, वो सब रूल्स ही पढ़ रहे हैं। आल्केन मतलब क्या होता है कार्बन कार्बन सिंगल बोन, उसको कार्बन कार्बन के बीच एक बोन दिख रहा है आपको, ये सब कौन से कोवेलेंट बॉन्ड हो भाई, ये सभी किससे बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से बनेंगे। अभी सारी डिस्कशन हमारी किस पे होगी, ओनली एंड ओनली कोवेलेंट बॉन्ड पे ही हमारी सारी डिस्कशन होगी, उसके अलावा एक चीज के बात नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली कोवेलेंट के बारे में ही बात करेंगे, ओके। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को आल्केन बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं आल्कीन, कार्बन के बीच दो बॉन्ड हो यहाँ एक बॉन्ड दिख रहा है आपको उसको बुलाते हैं आल्केन, कार्बन के बीच दो बॉन्ड दिख रहा है उसको बोलते हैं आल्कीन, कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा जिसे हम बुलाएंगे आल्काइन, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो आल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन अकेला ही ऐसा बनता है तो एक बॉन्ड दो बॉन्ड मैक्सिमम तीन बॉन्ड तक वो क्रिएट कर पाता है, रिसर्च में कैलकुली कार्बन एक अकेला ऐसा बनता है तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना पाता है, वो अकेला ही ऐसा बनता है कार्बन, इसके अलावा कोई भी नहीं है, एक कार्बन ऐसा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उसको हम क्या बोलते हैं आल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसको हम क्या बोलते हैं आल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उसको हम बोलेंगे आल्काइन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, हम अभी आज का डिस्कशन करेंगे आल्केन का, हम डिस्कशन करेंगे आल्केन,
अभी एल्केन और अल्केन हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बट आज डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा एल्केन का ही। ओके नाउ लिसन टू मी बोलिए, सपोज कि हम काम के एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। मैं यहां पे एक कार्बन बना रहा हूं, मैं यहां पे कितना कार्बन बनाया, एक। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। मतलब कि कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है, कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है, उसकी मैं चारों वैलेंसी एक से कंप्लीट कर रहा हूं, लाइक दिस। एक से मैं क्या कर रहा हूं, कंप्लीट कर दी चारों वैलेंसी, तो क्या बन गया CH4। क्योंकि H की भी कितनी वैलेंसी होती है, एक होती है, जानते हो आप लोग, सीखा है मैंने, लिखे किसे बनता है, एक के पास एक होता है, इसके बीच से ही, इसके एक के पास से ही, इसके बीच से ही, और इसके बीच से ही, पता है ना, तो सीखा है मैंने, कार्बन 1 2 3 4 H1 ये दोनों के लगे क्या होंगे, सेलिंग हो जाएंगे, ये दोनों के लगे लगे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, ये दो भी आगे लगे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, ये दो के लगे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन की। तो फर्स्ट क्या हुआ, एक कार्बन, यहां पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है ना, यस और नो, यहां पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन। हम एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। हम एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। एल्केन की बात तो पीछे हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स में यूज करेंगे, एन। सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, एन। हम बात कर रहे हैं एल्केन की, एक कार्बन है तो मिथ तो आएगा, सफिक्स पे हम साथ में क्या यूज करेंगे, एन, यानी मिथ प्लस एन। क्या बन गया आपका, मीथेन को कल मैंने नाम दिया था, यानी CH4 को क्यों मीथेन बोलते हैं, उसका रीजन ये था, एक कार्बन में एल्केन में आता है, एक कार्बन में एल्केन में आता है मीथ, उसकी चार वैलेंसी कंप्लीट करनी फिर आपको आती है, कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है, कंप्लीट कर देते हम CH4 से, तो उसको हम बुलाते हैं मीथेन, उसको हम क्या बुलाते हैं, मीथेन। कार्बन की चारों वैलेंसी किससे कंप्लीट कर रहे हैं, यहां पे हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहे हैं, मीथ प्लस एन, क्या बन जाएगा, मीथेन। ओके इतना क्लियर हुआ। अभी हम दो कार्बन लेके बात करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन हुआ, ऐसे हम दो कार्बन लेंगे तो आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। अभी हम दो कार्बन ले रहे हैं लाइक दिस, अभी हम दो कार्बन ले रहे हैं लाइक दिस, एक कार्बन कितने होंगे, चार होंगे, एक में कितने होंगे, चार, दूसरे में कितने होंगे, चार होंगे, आगे ना दो कार्बन लिए ना, एक कार्बन में चार, दूसरे में क्या, चार। अभी इसके बीच एल्केन मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्केन मींस क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन मींस क्या हो गए, शेयरिंग, एक इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयरिंग हो गए। सिंगल बॉन्ड बनाना है एल्केन में, मीथेन में एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, एक ही कार्बन आता है, यहां पे दो कार्बन में हमको सिंगल बॉन्ड बनाना है, हमको दो कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। अभी कितनी वैलेंसी बाकी रही देख लो, यहां पे इसकी बाकी रही एक वैलेंसी, इसकी दूसरी, तीसरी, इसकी बाकी, इसकी बाकी, इसकी बाकी, सभी वैलेंसी हम किससे कंप्लीट करेंगे, एक से, यानी एक एच यहां पे, एक एच यहां पे, एक एच यहां पे, एक एच यहां पे, एक एच यहां पे और एक एच यहां पे, तो बन क्या गया CH3। यहां पे क्या हुआ, CH3 हुआ ना, ये रहा CH3 हो गया, यहां पे भी क्या हुआ CH3, CH3 बॉन्ड CH3 बना के नहीं बना, CH3 बॉन्ड CH3 बना के नहीं बना। किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, खाली एल्केन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओनली एल्केन की। तो इफ दो क्या बोलते हैं, यहां पे दो कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये रे यहां पे आपको दो कार्बन दिख रहे हैं, दो को हम क्या बोलते हैं, इफ, दो को हम क्या बोलते हैं, इफ प्लस एन, क्या बन जाएगा, इथेन। क्यों एल्केन के सफिक्स में क्या यूज करेंगे हम, एन यूज करेंगे, यानी CH3, CH3 को हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, CH4 को हम बोलेंगे मीथेन, CH3, CH3 को क्या बोलेंगे हम, इथेन बोलेंगे। ठीक है, क्या बात की हमने, फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है, हम बात कर रहे थे एल्केन की, कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट, यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी जाएगा ऊपर, ऊपर भी जाएगा हाइड्रोजन आएगा, तो क्या बन गया आपका CH4 बन गया। हम जानते हैं हम लोग एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, एक कार्बन है यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं एल्केन की, एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ,
उसके पीछे क्या लगाएंगे एन एल्केन यूज सफिक्स का सफिक्स में एल्केन एन यूज करेंगे सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे एन तो मीथ प्लस एन क्या बन जाएगा आपका मीथेन बन जाएगा क्या बन जाएगा आपका मीथेन बन जाएगा ओके दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया दो कार्बन ले लिए एक में चार चार होता है आप जानते हो लाइक दिस एक में चार चार होता है इसके बीच क्या होगा बॉन्ड बनेगा जो एल्केन का रूल्स क्या है अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नोन एज एल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नोन एज एल्केन उसे हम क्या बुलाते हैं एल्केन बुलाते हैं तो यहां पे इसके बीच एक बॉन्ड बन गया बराबर इसकी एक वैलेंसी एच के साथ कंप्लीट इसकी भी एच के साथ कंप्लीट इसके भी एच के साथ कंप्लीट इसकी वैलेंसी भी एच के साथ कंप्लीट इसकी वैलेंसी भी एच के साथ कंप्लीट इसकी वैलेंसी क्या एच के साथ कंप्लीट दोनों के बीच एक बॉन्ड तो बन गया चार वैलेंसी थी वो भाई कार्बन की चार वैलेंसी थी एक एक बॉन्ड के बीच शेयर हो गया तो तीन वैलेंसी बाकी रहेगी नहीं रही कार्बन कैसा है टेट्रावैलेंसी अभी मैंने बात की कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है तो एक इसी साथ चली गई कितनी बाकी रही इसकी तीन तो तीन एच डाल दिए यहां पे तीन बाकी रही तीन एच डाल दिए तो ये क्या बन गया CH3 इतना क्या हुआ CH3 इतना क्या हुआ CH3 यानी क्या बन गया CH3 बॉन्ड बॉन्ड क्या है कौन सा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड ये सभी कौन से बॉन्ड बन रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहे हैं तो CH3 बॉन्ड CH3 हुआ कि नहीं हुआ कितने कार्बन है यहां पे दो कार्बन है कितने कार्बन है यहां पे दो कार्बन है दो कार्बन को क्या बोलते हैं ईथ दो कार्बन को क्या बोलते हैं ईथ पीछे हम क्या लगाएंगे एन तो क्या बन जाएगा अपना इथेन बन जाएगा इसका अपना क्या बन जाएगा इथेन बन जाएगा ओके वैसे ही हम तीन कार्बन से ट्राई करते हैं एक दो तीन अभी आपको एग्जांपल क्लियर होगा सब कार्बन में कितने चार होती है वैलेंसी आउटर मोस्ट में कितने चार होते हैं ना वैलेंसी कितनी चार होती है इसके पास भी चार होंगे इसके पास भी चार होंगे इसके पास भी कितने होंगे चार होंगे अभी सुनो ध्यान से चार कार्बन तीन कार्बन हो गए इसके बीच एक बॉन्ड बन गया अभी ये भी अकेला इसके बीच एक बॉन्ड बन गया एल्केन मींस क्या है कि कार्बन के बीच एक बॉन्ड तो होना ही चाहिए जिससे इसके बीच बॉन्ड हो गया इसके और इसके बीच बॉन्ड बन गया इसके और इसके बीच बॉन्ड बन गया इसके और इसके बीच बॉन्ड बन गया हां के ना यानी कि ये कार्बन की चार थी उसमें से एक भाग गई कितनी बाकी रही एक तीन बाकी तो एक आइटम यहां पे दूसरा यहां पे तीसरा यहां पे तीन एक हुए कि नहीं हुए इसके पास चार थी तो एक इसके साथ गई इसकी वैलेंसी एक इसके साथ गई चार में से दो भाग गई चार में से दो भाग गई कितनी बाकी रही दो बाकी रही तो एक एक यहां पे और एक यहां पे आके ना ये लास्ट वाला कार्बन देखो उसके पास भी चार थी उसमें से एक भाग गई कितनी बाकी रही तीन तो एक एच यहां पे एक एच यहां पे और एक एच यहां पे क्या बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बना के नहीं बना इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं इस वाले फॉर्म में लिखते हैं ठीक है क्या बन गया CH3 CH2 CH3 ओके कितने कार्बन हो रहे एक दो तीन कार्बन है तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं प्रोब बोलते हैं प्रोब के पीछे हम क्या लगाएंगे एन प्रोब के पीछे क्या एल्केन की बात कर रहे हैं ना एल्केन मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको यहां पे सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है एल्केन में सभी क्या है सिंगल बॉन्ड है तीन कार्बन क्या बोलते हैं प्रोब बराबर पीछे क्या लगाएंगे हम इसका नाम क्या होगा प्रोपेन ये हम क्या पढ़ रहे हैं आईपीसी में पढ़ रहे हो भाई तो CH4 को हम बोलते हैं मीथेन CH3 को बोलते हैं इथेन CH3 CH2 CH3 को बोलेंगे प्रोपेन उसको हम बोलेंगे प्रोपेन अभी चार कार्बन ट्राई करते हैं तो एक ले लिया दूसरा ले लिया तीसरा ले लिया चौथा ले लिया अभी आपको खुद बनाना आएगा देखना पांच एग्जांपल सीख जाओगे फिर 6 7 और 8 का खुद बना पाओगे ठीक है दो तीन एग्जांपल आप प्रैक्टिस कर लिए तो गारंटी से बोल रहा हूं ये चैप्टर बहुत इजी है बराबर खास मेरे साथ करते आगे बराबर कार्बन में चार चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार हुआ क्या नहीं हुआ इसके बीच क्या होगी शेयरिंग हो गई बराबर इसके बीच क्या होगी शेयरिंग एक बॉन्ड तो सबके बीच बनेगा ही ना तो ये वो जोड़ पाएंगे ना इसके बीच भी क्या हो गया बॉन्ड बन गया हां के ना इसमें कितनी बाकी रही एक एच यहां पे वैलेंसी बाकी क्या डालोगे आप एच डालोगे एक एच यहां पे दूसरा यहां पे एक एच यहां पे एक एच यहां पे एक यहां पे एक यहां पे एक यहां पे एक यहां पे और एक यहां पे कितने हुआ ये पहले क्या हुआ CH3 आया फर्स्ट क्या है CH3 बॉन्ड क्या है CH2 बॉन्ड
गया है, कितने कितने यानी CH3 हां के ना, कितने कार्बन है, चार कार्बन है, कितने कार्बन है, चार, चार को हम क्या बुलाते हैं ब्यूट, चार को हम क्या बुलाते हैं ब्यूट, प्लस एन क्या हो जाएगा इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन, चार कार्बन पीछे हम क्या लगाएंगे एन हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, फिर से सब लिख रहा हूं, खास देख लेना इसका, मैंने स्क्रीनशॉट सबके लिख दिया था। पहले क्या बना अपना CH4, उसको हम क्या बोलते हैं मीथेन बोलते हैं, फिर क्या बना CH3 और CH3 ये रहा, उसको हम क्या बोलते हैं इथेन बंद बोलते हैं, फिर क्या बना CH3 CH2 CH3 बना के भी बना ये वाला ये रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोपेन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं प्रोपेन रूल्स बोले, एक कार्बन मिथ एन बन गया, दो कार्बन ई प्लस एन बन गया इथेन, तीन कार्बन तो प्रो प्लस एन बन गया प्रोपेन, फिर फोर कार्बन का क्या बना CH3 CH2 CH2 CH3 क्या बन जाएगा आपका चार कार्बन, उसको हम क्या बुलाएंगे ब्यूटेन बुलाएंगे, उसे हम क्या बुलाएंगे ब्यूटेन। ओके ये तो लिख लेना, उसके बाद आगे बढ़ूंगा साथ साथ में, जितना रंग हो एक बार डिवाइड करके लिख लेना सारा, ठीक है, तो ही आप अपनी नोट में कॉपी कर पाओगे, अगर नोट में कॉपी होगा तो ही, क्योंकि बोर्ड आपको छोटा है इसलिए आपको थोड़ा साथ में लिखना पड़ेगा। ओके इतना क्लियर हुआ, दूसरा एग्जांपल देता हूं, सब में क्या हो रहा है CH2 CH2 रिलीज हो रहा है, मीथेन में इथेन इथेन से प्रोपेन जा रहे हैं एक CH2 रिलीज हुआ, प्रोपेन से ब्यूटेन जा रहे हैं दो CH2 रिलीज हुए, ब्यूटेन से पेंटेन गए कितने CH2 रिलीज हुए तीन हुए। अभी आपको हेक्सेन बनाना आएगा, कैसे बनाओगे हेक्सेन, जब हम पेंटेन टू हेक्सेन जाएंगे तो तीन से कितने CH2 रिलीज होंगे चार CH2 हो गए, कितने हो गए चार, यानी कि एल्केन में सब में क्या हो रहा है CH2 सभी में इंक्रीज हो रहा है, एल्केन में सभी में क्या हो रहा है CH2 इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई हम एल्केन को क्या बुलाते हैं, हम एल्केन को बुलाते हैं होमोलोगस सीरीज, एल्केन इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। तो सभी में हेक्सेन का फार्मूला ये लो, बनाना आपको आएगा हो भाई, हेक्सेन का फार्मूला ये ना, पहले CH3 आ गया CH2, अभी सभी बनाना आएगा, जो आपको एक कंपाउंड बनाना आ गया तो आपको सारे कंपाउंड बनाने आएंगे, ये पेंटेन ये ब्यूटेन का फार्मूला था, पीछे दिखा रहा हूं हेक्सेन कैसे बनता है, ठीक है दिखाता हूं हेक्सेन कैसे बनता है वापस, क्योंकि वीडियो थोड़ा बंद हो चुका है इसलिए, हेक्सेन कैसे बनता है कितने कार्बन होते हैं 6 होते हैं, क्या कर दिया पहले इथेन से प्रोपेन गए क्या ऐड किया CH2, प्रोपेन से ब्यूटेन के कितने ऐड किए 2 CH2 किए, ब्यूटेन टू पेंटेन के कितने CH2 किए 3 CH2 हुए, पेंटेन टू हेक्सेन के कितने CH2 हुए 4 CH2 हमने एंटर किए, यानी CH2 क्या कर रहे बढ़ा रहे हैं। अभी इसको हम ऐसे दिखा सकते हो भाई, 6 कार्बन लो, देखना अभी मैं प्रूव करूंगा, सब में चार चार होगी लाइक दिस, सब में कितनी होगी चार चार होगी लाइक दिस, आगे ना बराबर चार चार होती है, इसके बीच शेयरिंग इसके बीच शेयरिंग इसके बीच शेयरिंग इसके बीच शेयरिंग इसके और इसके बीच शेयरिंग, इसमें चार थी इसमें से एक चले गए यानी कितनी बाकी रही तीन बाकी रही, तो तीन ऐसे कंप्लीट कर दो, इसके पास चार थी उसमें दो चले गए कितनी बाकी रही दो बाकी, तो दो ऐसे कंप्लीट कर दो, इसके पास चार थी उसमें दो चले गए कितनी बाकी रही दो बाकी, दो ऐसे कंप्लीट कर दो, इसके पास चार थी उसमें दो चले गए दो बाकी रही दो ऐसे कंप्लीट कर दो, इसके पास चार थी दो चले गए तो दो बाकी रही, इसके बाद तीन बाकी रहेगी तो क्या मिल गया मिल रहा है CH3 आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है CH2 आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है CH2 आ रहा है, इसके वापस क्या आ रहा है CH2 वो भी आ रहा है, इसके वापस क्या आ रहा है CH2 वो भी आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है CH3, यानी 6 कार्बन है सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है, यानी हेक्स प्लस एन क्या बन जाएगा हेक्सेन बराबर। अभी सभी में क्या चीज एंटर हो रही है, सभी में क्या एंटर हो रहा है CH2 सब में एंटर हो रहा है, पहले एक CH2 का प्रोपेन है फिर दो हुआ फिर तीन हुआ फिर चार फिर हेप्टेन, सात कार्बन कितना होगा 5 होगा फिर 6 होगा, यानी सब में क्या हो रहे CH2 इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई एल्केन को हम दूसरा नाम देते हैं, एल्केन में सभी सेम चीज एंटर हो रही है, दैट्स व्हाई एल्केन इज नोन एज होमोलोगस सीरीज, एल्केन को हम क्या बुलाते हैं होमोलोगस सीरीज बुलाते हैं, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है सेम चीज एंटर हो रही है
दैट्स व्हाई एल्केन को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. एल्केन को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे. ओके, क्लियर हुआ ये? एल्केन इज नॉट होमोलोगस सीरीज. तो बीच में क्या आ रहा है? CH2 एंटर हो रहा है इसके लिए. अभी आपको होमवर्क है, अभी आपको हेप्टेन और ऑक्टेन का स्ट्रक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है. उसका फॉर्मूला इस तरह से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, हेप्टेन का और ऑक्टेन का. ठीक है, जो पहले आंसर देगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका मैं नाम अनाउंस सेकंड लेक्चर में करूंगा. तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, इस दोनों के आंसर लिखो. हेप्टेन और ऑक्टेन के इसी तरह होंगे. स्ट्रक्चर बनाने आपको दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करके स्ट्रक्चर में बताया नहीं चला तो उसके लिए वापस मैं लेकर लेके आऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट आयन भी है. सारे स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं उसके खास देख लो. एल्केन भी कैसे बना, मीथेन कैसे बना, इथेन कैसे बना, प्रोपेन कैसे बना, ब्यूटेन कैसे बना, पेंटेन कैसे बना, हेक्सेन कैसे बना, सब कुछ एक बार देख लो कहीं पे भी हटको और हेप्टेन ऑक्टेन बना दो. जो पहले बनाएगा उसका मैं नाम अनाउंस लेक्चर में करूंगा. ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है. कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर लिखना है. स्ट्रक्चर में कुछ हार लगे तो वापिस मैसेज करना, वापिस ये लेक्चर लेके आऊंगा. यहाँ पे एल्केन खत्म हो गया है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो एल्कीन. एल्केन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज, वो भी याद रखना. ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट हम लेंगे एल्कीन. ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं. मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद. जय हिंद.